सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले लेट करते हैं हम a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus e2 equals to 0। ये हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई। तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और मतलब क्या सॉल्व करना है कि यहाँ पे हमें क्या x और y की वैल्यू निकालनी है, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से हमें निकालना है, मतलब हमारे पास तीन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, एक क्रॉस मेथड है, ठीक है। उनसे सबसे पहले नंबर वन कौन सा आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे, इसका नाम दे दो आप स्टार वन, इसका नाम दे दो आप स्टार टू। यहाँ पे क्या लेंगे हम, फ्रॉम स्टार वन, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन लो, जरूरी है कि यहाँ पे स्टार वन ही लेनी है, आप स्टार सेकंड भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या लिया हमने, स्टार वन को लिया, स्टार वन क्या दिया हमें, ए वन एक्स, ठीक है। तो ये जो बाकी वाले टर्म्स है इसको हम राइट साइड लेंगे, तो राइट साइड लिया तो यू नो प्लस आया तो क्या जाएगा, माइनस बी वन बाई, फिर जाएगा माइनस सी वन, ठीक है ना। जब भी हम कोई एलिमेंट्स को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेना है तो क्या करना है, साइन चेंज कर देना उसको, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। ए वन इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी वन बाई माइनस सी वन अपन, सर ए वन नहीं लेंगे हम, एक्स लेंगे, एक्स टू क्या जाएगा ए वन, ओके ना, एक्स टू क्या जाएगा ए वन। इस पर रखा हमने स्टार थर्ड। अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग स्टार थर्ड इन स्टार किस में, टू में, वन में लेना है। अगर हम स्टार थर्ड किसकी हेल्प से बना रहे हैं, वन की हेल्प से बना रहे हैं ना, फिर हमने स्टार टू में पुट करना है, पुट करना है स्टार टू में। तो जब हमारे पास आया, अब क्या लेंगे हम, कॉमा वी गेट, तो इसमें पुट करेंगे किसकी जगह पे लिखेंगे हम, स्टार थर्ड का मतलब होगा कि एक्स की वैल्यू, क्या एक्स की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, स्टार सेकंड में। तो स्टार सेकंड में ये क्या आ जाएगा, ए टू इंटू एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी वन बाई माइनस सी वन अपन ए वन ए वन ए वन। फिर आया प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। एनी क्वेश्चन, अब जहां भी आ रही है इसकी मल्टी करेंगे अंदर ए टू की, इस ए टू की मल्टी इस साथ ही होगी या नीचे भी होगी, नीचे नीचे नहीं होगी, इस साथ होगी, जरा समझ गए ना आप, वो पी वाई क्यू की फॉर्म है भाई, ए मल्टीपल बाई पी वाई क्यू है, तो सिर्फ क्या होता है ए पी अपॉन क्यू, ये नहीं हो गया अब ए की मल्टी नीचे हो गया तो, ठीक है। अब जहां पे इसी मल्टी करी क्या आता है, माइनस बी वन ए टू बाई, ये क्या आएगा, माइनस सी वन ए टू अपॉन ए वन प्लस बी टू बाई प्लस ए टू इक्वल टू जीरो। अब इसकी मल्टी यहाँ पे करें क्या लेंगे, एलसीएम, ये आएगा माइनस बी वन ए टू बाई ओके माइनस सी वन ए टू ए वन जब मल्टीप्लाई करी तो क्या आता है, प्लस ए वन बी टू वाई प्लस ए वन सी टू होल अपान ए वन इक्वल टू जीरो। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मेरे साथ तो क्या आ जाएगा, अब वाई वाले अलग करेंगे, ये लिया हमने ए वन बी टू वाई माइनस बी वन ए टू वाई, क्लियर। पीछे क्या बच गया, जे हमारे पास आया माइनस सी वन ए टू प्लस ए वन सी टू इक्वल टू जीरो, ए इंटू ए वन इंटू जीरो क्या आएगा, क्लियर। अब क्या आ जाएगा, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू वाई को क्या किया, कॉमन निकाला और इसको राइट साइड लेके, तो ये क्या आ गया, सी वन ए टू प्लस माइनस ए वन सी टू, है ना। अरे क्या कहा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जो साइन चेंज होता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, जहां पे नेगेटिव था ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव था क्या बन गया नेगेटिव। अब जहां पे y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, व्हिच इंप्लाइज y इक्वल्स टू क्या आएगा, c1 a2 माइनस a1 c2, ये प्रोडक्ट में थी ना, ये कहां आ जाएगी अपान में a1 b2 माइनस b1 a2, जी क्या वैल्यू मिल गई आपको, वाई वाई वाई, ओके। क्वेश्चन नाउ क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन
किस में बनाएंगे स्टार थर्ड में, इन स्टार थर्ड कॉमा वी गेट, तो स्टार थर्ड में क्या आएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस बी वन और वाई की जो पूरी वैल्यू उठ रही है ओके ना जी क्या जाएगा सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस बी वन ए जे जो और इन जो एफर्ट्स लिए ना इनको बोलते हैं सॉरी कॉन्स्टेंट ना जो लिए इनको बोलते हैं ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट ए वन बी वन सी वन ठीक है ना क्या बोलते हैं ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट इनको क्या है ना अपने सिमेट्री में लेना मतलब वन टू चाहे सी हो चाहे बी हो लेना वन टू क्योंकि जब आप उसको निकालो अगर आप पहले टू ले लो फिर वन ले लो फिर कहीं पे काटने में कहीं मैच करने में बड़ी दिक्कत आई इस बात के पहले क्या लेना है वन टू वन टू वन टू ऐसा ये देखो मैंने लिया ना वन टू वन टू वन टू वन टू है कि नहीं और जहाँ पे आ गया ये तो लिखा हमने क्या इसकी जगह पे माइनस बी वन वाई की जगह पे लिया अब आगे कौन है माइनस सी वन ठीक है माइनस सी वन तो अपान क्या आ जाएगा ए वन ठीक है अब वन क्या जाएगा ए वन आएगा क्लियर तो जहां पे क्या जाएगा एक्स इक्वल टू अब क्या बी वन के मल्टीपल करेंगे क्या करेंगे बी वन मल्टीपल यहां पे क्या जाएगा माइनस बी वन सी वन ए टू जब दो दो सेम आ जाए ना वन वन टू टू तो पहले क्या करना पहले अल्फाबेटिकल चलना ए बी सी मतलब जो पहले आता है ए पहले आता है फिर बी आता है ठीक है ना जैसे मैंने लिखा पहले माइनस बी वन सी वन ए टू फिर इसकी मतलब इस साल होगी तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो अब ए वन पहले लिखेंगे फिर बी वन सी टू समझ आया इससे क्या होगा जब हम कोई टर्म्स काटेंगे ना जब ऑटोमेटिकली फॉर्म वही बने से डायरेक्ट काट देंगे फिर नहीं तो पहले बनाना पड़ती है फिर करना पड़ती है क्लियर अब वन क्या आ जाएगा ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू माइनस सी वन अब इसकी मतलब यहाँ पे साल में होल अपॉन क्या आ जाएगा ए वन इसकी मतलब यहाँ पे करेंगे एलसीएम लेंगे ना ये आएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी वन सी टू ए टू प्लस ए वन बी वन सी टू माइनस सी वन इंटू क्या आ जाएगा ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू क्लियर और होला मान क्या आ जाएगा ए वन इंटू जी सी टू हमने तो है ए वन सॉरी 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 जी सी टू ओह यस यस जी सी वन ना गुड वेरी गुड ये क्या आएगा हमारे पास ओके ना ए वन कॉमन रखा जी क्या आएगा ए वन बी टू माइनस बी टू ए वन क्लियर अब जहां पे इस सी वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी वन सी वन ए टू प्लस ए वन बी वन सी टू माइनस क्या आ जाएगा ए वन सी वन बी टू क्लियर फिर ये क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस बी वन सी वन ए टू होल अपान ए वन इंटू ए वन बी टू माइनस बी टू ए वन ठीक है सो आगे पीछे बी टू ए वन कैसे आया बी वन जी बी वन ए टू आना था फिर बड़ी क्यों बोला भाई बी वन ए टू ओके और वो करता है कुछ जे और जे टर्म करती है ना इसको हम क्या करेंगे काटेंगे जे और जे कट जाए पीछे क्या बच जाता है हमारे पास ए वन बी वन जे बी टू इंप्लाइज नहीं ए टू ए टू कहाँ कटेगा जी बोला जी पूरी टर्म ही एक ही है ना ये पूरी एक ही टर्म है अब जहाँ पे क्या बचा हमारे पास ए वन बी वन सी टू माइनस ए वन सी वन बी टू अपॉन ए वन कॉमन आप पीछे क्या आ गया ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू फिर वो क्वेश्चन अब जहां पे ये आ जाएगा ऊपर से कॉमन आता है क्या ए वन कॉमन आप पीछे क्या आएगा बी वन सी टू माइनस ए वन कॉमन लगा दिया सी वन बी टू होला वन ए वन इंटू ए वन बी टू क्लियर माइनस बी वन ए टू ए वन और ए वन कट गया आयुष है ना आयुष जे आया बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू अब वन क्या आया ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू क्लियर हुआ कोई क्वेश्चन जी हमें किसकी वैल्यू मिल गई एक्स ठीक है
ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। इस में इस तरह से निकालने वाले मेथड को क्या कहते हैं क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, याद रहेगा। तो क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही निकालने हैं। ओके, ये बीच इम्प्लाइज जरूर लिख देना इनके साथ, करो नोट। ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।